ये यूरिन की अगर हम लोग बात करें तो जो हमारा यूरिन होता है वह जनरली येलो इन कलर का होता है। अगर उसको ये कलर जो होता है वो डिफर भी करता है, व्हाइट भी देखने को मिलता है, रेड भी देखने को मिलता है। ये जनरली जितने भी होते हैं ये हमारा फिल्ट्रेशन पर डिपेंड करता है या फिर किडनी डिजीज पर डिपेंड करते हैं। जो अपना किडनी का डिजीज होता है उनका जो यूरिन का कलर होता है और नॉर्मल पर्सन की यूरिन के कलर से डिफर करता है। इनके बारे में हम लोग इनकमिंग वीडियो में जानेंगे। हालांकि इस वीडियो में यह बात करते हैं कि जो हमारा किडनी होता है, जो यूरिन को फॉर्मेशन देख लिया हमने, अब यूरिन का कंसंट्रेशन की बात करते हैं। तो 95% जो होता है हमारा वाटर में डिजोल्व होता है। अब 5% में से भी हम दो भागों में डिवाइड करेंगे। सबसे फर्स्ट की अगर मैं बात करूं तो ऑर्गेनिक सब्सटेंस आते हैं और उसके बाद इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक की अगर हम लोग बात करें तो हमारे यूरिया पाए जाते हैं, वहाँ पर हमारे वहाँ पर एमिनो एसिड पाए जाते हैं बहुत ही कम अमाउंट में, ठीक है। और साथ ही साथ में यूरोजोनिक पाए जाते हैं और क्रेटिन पाए जाते हैं और बहुत सारे हार्मोन पाए जाते हैं, ये सब मेजर हो गए। सेक्रेटिन पाए जाते हैं, ठीक है। अब उसके बाद अगर हम लोग बात करें कि जो हमारा इनऑर्गेनिक है, इनऑर्गेनिक में जितने भी आयन्स होते हैं वो सब पाए जाते हैं। सोडियम आयन हो गए वो हमारे पाए जाते हैं, पोटासियम हो गए, कैल्शियम हो गए, मैग्नीजियम हो गए, मैग्नीशियम हो गए, और साथ ही साथ में कार्बोनिक हो गए और साथ सल्फर हो गए और फास्फोट, इतने सारे जो होते हैं हमारे 5% में आते हैं, ठीक है। और इन सभी का जो कंसंट्रेशन होता है वो वैरी भी कर सकता है। अब ये जो होता है हमारे जितने भी यूरिन का ये होता है पूरे डिफर करता है किसी में, तो इनका पीछे के कारण ये है कि उन तीनों प्रोसेस में से कोई प्रोसेस उनके बॉडी में अच्छे से नहीं हो रही है। इन्हीं को लेकर के आगे एक लीड बनता है जो कि हमारे क्या होते हैं किडनी का डिजीज कह लीजिए, किडनी स्टोन कह लीजिए, किडनी फेल्यूर कह लीजिए, ये सब होते हैं। अब ये थे हमारे कॉम्पोजिशन। हमने देखा कि पूरे बॉडी में हमारे जो यूरिन का फॉर्मेशन होते उनमें से 95% 95% वाटर होते हैं, रेस्ट ऑफ द 5% में हमारे ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक पाए जाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा यूरिन का ये। अब हमारे किडनी का मैक्सिमम 99% जो हमारा हो गया ये हमारा ख़त्म हो गया।